अज्ञात कारणों से कॉटन फैक्ट्री में लगी आग। करोड़ों का नरमा और पिकअप जलकर राख। फायर ब्रिगेड आग बुझाने में जुटी। अनूपगढ़ में एक कॉटन फैक्ट्री के नरमे में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे लगभग 25 से 30 हजार क्विंटल नरमा जलकर राख हो गया, जिससे करोड़ों का नुकसान हो गया। घटना नेशनल हाईवे नंबर 911 पर स्थित सुदेश कॉटन फैक्ट्री में आज शनिवार दोपहर की है। कॉटन फैक्ट्री में रखे नरमे में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड आग बुझाने में जुटी हुई है। फैक्ट्री के मालिक बंशी लाल जसुजा ने बताया कि मजदूरों ने नरमे से धुआं निकलते हुए देखा और घटना की जानकारी दी, जिसके बाद वह मौके पर पहुंचे, जब तक आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसके बाद आग की सूचना पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हवा चलने के कारण आग बेकाबू हो रही है। आग लगने से फैक्ट्री में रखा 25 से 30 हजार क्विंटल नरमा और पिकअप जलकर राख हो गया है, जिसकी अनुमानित लागत 30 करोड़ रुपए है। आग लगने से मौके पर खड़ी पिकअप भी जल गई है। वहीं डीएसपी अमरजीत चावला, व्यापार मंडल के अध्यक्ष मोहित छाबड़ा, पूर्व अध्यक्ष बुलचंद चोर, प्रेम नागपाल, भजन कामरा सहित अन्य लोग भी मौके पर पहुंच चुके हैं। प्रशासन द्वारा मजदूरों की सहायता से आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। व्यापार मंडल भी आग बुझाने की कोशिश कर रहा है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष मोहित छाबड़ा ने बताया कि बाजार में जितने भी आग बुझाने के सिलेंडर थे, सभी मंगवा लिए गए हैं, मगर यह सभी अपर्याप्त है। डीएसपी अमरजीत चावला ने बताया कि पुलिस द्वारा भी आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहे हैं और यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए नेशनल हाईवे पर टीमें लगा दी गई हैं।